to our channel Jat Pahadan Vlogs. I am your Tanya Sujwan Dagar and I hope you all are doing well. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग क्यों कर रही हूँ. मैं यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, पहले ये बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, या पहले ये बताऊँ कि क्यों जा रहे हैं. चलो ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने. देख सकते हैं आप, मेरी माता जी ये खड़ी हैं एकदम चश्मा वश्मा लगा के. हाय मैम, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे टाइम पास कर रही हूं. कैसा लगा मेरा मजाक? तो आज मैं आपको एक स्पेशल चीज बताती हूँ जो कि हम लोग के लिए भी बहुत स्पेशल है और हम लोग बहुत खुश हैं उसके लिए. वैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सुहाना का वेट और भैया का वेट, वो दोनों आ जाएंगे. उसके बाद हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने. ये तो हो गई एक बात. शॉपिंग क्यों जा रहे हैं, क्या है वो स्पेशल ओकेजन, वो स्पेशल ओकेजन है मेरे भाई की सगाई है. ये तो लेटेस्ट न्यूज है. आप लोग सोच रहे होंगे इसे क्या हो गया, मेरे भाई की सगाई है यार, खुशी होती है. मेरे भाई, मेरे बड़े भैया, उनकी है सगाई. वैसे शॉपिंग ऑलरेडी चल रही थी. ये लोग हैं ना, जो इन लोगों ने ना शॉपिंग पहले से बहुत की हुई है. हेलो, हाँ जी, जो आपने मुझे बुलाया नहीं है ना शॉपिंग के लिए और अकेले शॉपिंग करी है, ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने. पर चलो कोई ना, मेरी भी शॉपिंग वैसे हो गई है. मैंने अपना आउटफिट ले लिया था, तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था शॉपिंग, क्योंकि लगभग लगा लो आप 2-3 बार तो हम मार्केट घूम ही चुके हैं, पर ब्लॉग नहीं मैंने बनाया था. तो मैंने सोचा आज मार्केट भी जा ही रहे हैं और थोड़ी शॉपिंग रहती भी है और आप लोग को इन्फॉर्म भी करना था कि ये है खुशी की बात, तो इसीलिए सोचा कि आज बना लेती हूँ ब्लॉग. चले, हम लोग वैसे निकले शॉपिंग के लिए थे, लेकिन हम लोग पहुँच कहाँ गए मैं आप लोग को दिखाती हूँ. ये देखिए, मम्मी ने बोला बेटा एक बार मंदिर जाना है तो वहाँ पे पहले चलो, उसके बाद शॉपिंग में जाएंगे. तो हम आए भैरव बाबा का मंदिर प्रगति मैदान के जो पास है. तो एक एक्साइटिंग बात बताऊँ, हमें आज 3 मार्केट विजिट करना है, सरोजनी नगर, लाजपत नगर और साउथ ईस्ट. देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे और क्या क्या लेना है, क्या क्या ले लिया है, वो भी मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ. एक बार दर्शन कर लेते. देख ले, ये भाई मेरे इतने अच्छे काम करता है ना, इसीलिए इसको अच्छी लड़की मिल गई है. इसको आज ये आया मंदिर ये बोलने, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी अच्छी लड़की दिलाने के लिए, इसके लिए आज हम मंदिर आए हैं. चलो जी, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि क्लिप लेना अलाउड नहीं है. और ये मेरी मम्मी कचौड़ी के लिए लड़ रही है, दिखाती हूँ आपको कचौड़ी के लिए. कौन लड़ता है भैया, इतनी गर्म क्यों, थोड़ी ठंडी नहीं रह सकते? वाह दीदी, वाह दीदी. नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी. मम्मी मेरी ऑब्सेस्ड है कचौड़ी से. हम लोग एक कचौड़ी फिनिश करते हैं, गाड़ी में पहुंचते हैं. गाइस, मम्मी ना आप लोग को वो एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली है. अभी ऑटो जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है दिखा दानिया. ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से क्या होता है, ऑप्शन है ठीक है, हाँ, क्या लाइट जल्दी हरी हो जाती है, ऑप्शन बी सड़क चौड़ी हो जाती है, ऑप्शन सी क्या गाड़ी उड़ने लगती है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं. तो बेबू जो हॉर्न बजा रहे हो, ये लिखा हुआ है और हम लोग ये रीड करके इतना हंस रहे थे, कितनी फैक्ट बात लिखी हुई है. साउथ एक्स लाजपत नगर, पहले जा रहे हैं लाजपत. यहाँ से लेने इयर रिंग्स, वैसे पता नहीं जो भी चीज मिल जाएगी वो तो ले ही लेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जो मुझे लेना है, मुझे यहाँ से लेने इयर रिंग्स. डैंगलर्स हो गए, मुझे दो काम है, एक उठाना है मुझे अपना आउटफिट, दूसरा डैंगलर्स लेने हैं. मतलब बड़ी अच्छी खुशी सी फीलिंग आ रही है, दिखाती हूँ. इतने खुश हो रहे हैं लोग, इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम लोग? आप लोग पूछ रहे थे ना मैं आउटफिट कहाँ से लेती हूँ, और मैंने कुछ पुराने प्रीवियस आउटफिट कहाँ से लिए हैं. मैंने लिए हैं वो यहाँ से मीना बाजार से, और अभी मुझे अपना आउटफिट यहाँ से उठाना है. आउटफिट पिक करती हूँ और दिखाऊंगी नहीं आप लोग को, क्योंकि रिव्यू नहीं करूँगी, बाद में दिखाऊंगी क्या लिया था और ये भी बताऊंगी कि क्यों लिया था. वैसे दो ऑप्शन थे, वो ही बता दूंगी. आप ऐसे इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो अपनी अंगूठी के लिए, क्योंकि आपने आज अपनी अंगूठी रिसीव करनी है, इसलिए आप इतनी जल्दी नहीं चल रहे हो. सर आप शर्मा के रहो, पलटो, क्योंकि मैंने दो लेनी है. रिंग का दिखाना, क्लोजअप दिखा दिखा. गाइस, मम्मी के पैसे जाते हुए उनकी बहू के लिए. इतने बुरी तरीके से गिने मैंने. तो गिन भी नहीं पा रही.
मेरा झुमकी स्टाइल में दिखाओ। वैसे जो मेरा आउटफिट है वो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूँ, वो झुमकी वाले अरेंज उसमें बहुत अच्छी लगती है। ये लोग अभी खाने का डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है क्या खाना है। ऑब्वियसली लाजपत नगर आए थे मोमोज पकाएंगे। मैं इयररिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्या करूँ। मैंने अभी तक जो भी पहले इयररिंग्स लिए थे वो सदर से लिए थे, काफ़ी अच्छी उनकी क्वालिटी, मतलब मेरी जो वेडिंग ज्वेलरी वगैरह थी वो भी मैं आपको डिटेल्स बाद में कभी बता दूंगी, बट अभी आई एम पिस्ड। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये भी यही बोल रही है कि वहीं से लेंगे जहाँ से हम लेते हैं। पहले दो चार शॉप्स हैं बहुत अच्छी है वहाँ पे, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्वालिटी वहाँ बेटर और प्राइस भी उधर कम है। सो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो थोड़ा मार्केट घूम रहे हैं और इतनी भीड़ है मार्केट में। रात के बज गए हैं 8 और हम फाइनली पहुँचे हैं अभी साउथ एक्स। लेकिन जो एसएन वाला था वो वाला काम नहीं हो पाया है और मेरे इयररिंग्स भी नहीं आए हैं। इसके भी नहीं आए, वैसे मेरे तो आए हैं नहीं, इसके भी नहीं आए हैं। और हम लोग पहुँच गए साउथ एक्स, दिखा देती हूँ आपको। काफ़ी लेट हो गया हमें, काफ़ी लेट था इन सेंस बिकॉज लेट इसलिए हुआ है क्योंकि हमें घर जाना है। निपुण और मुझे, और निपुण मेरा वेट कर रहे हैं शॉप और मुझे लगभग 9 बजे तक वहाँ पहुँचना, सो दैट हम 10:30 तक घर पहुँच जाएंगे। बहुत भागा दौड़ी है यार, मैं थक गई हूँ आज। अब एक विजिट और बनेगी नेक्स्ट इयररिंग्स वगैरह की, देखते हैं उसमें क्या करेंगे। उसमें भी आप लोग को साथ लेके चलेंगे शॉपिंग पे। तो अब फुटवेयर खरीदते हैं यहाँ से, यहाँ से मुझे मेरी फुटवेयर लेनी थी, कुछ और मिल जाएगा तो वो भी देखेंगे। आ जाओ, वो पार्वती नहीं बोलती, चलिए फुटवेयर की शॉपिंग करते हैं। ये अच्छी लग रही है मम्मा, ये वाली छोटी है। हाँ छोटी है, छोटी है। फिर क्या है पार्टी वेयर सेक्शन में से, तो इसमें से कुछ देख सकते हैं अच्छा सा। घर पे डिसाइड करना आज तो मुश्किल हो रहा है, एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से ऐसी फीलिंग आ रही है कौन सा लूँ ये नहीं समझ आ रहा क्यों इतना डिफिकल्ट। कभी कभी मुझे सोच रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वैसे वैसे ऐसा कुछ भी अच्छा लग सकता है। और कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं। मैं वीनस आई हूँ, यहाँ देखते हैं कुछ अच्छे ऑप्शन अगर मिलते हैं हमें तो। ये ले लो एक्सट्रीम हील, ये वाला भी ले लो। मजाक कर रही हूँ। कस्टमाइज भी है इसका, स्मार्ट लग रहा है ना ये, हम लाइक लग रही है, वेस्टर्न में भी जाएगा। लूज है वो, ये स्टाफ आपने सही है, नीचे रखो बैग में वहां ऊपर बनेगा। फाइनली फुटवेयर मुझे मिल गया, ये मैंने कर लिया है डिसाइड। इस लड़की ने मुझे सेलेक्ट करने में बिल्कुल मदद नहीं की है, बट कोई बात नहीं, ये कर लिया डिसाइड। बेहद जल्दी से पैक कर दो और चलते हैं। ठीक है, फुटवेयर आ गया है, इयररिंग नहीं हुए हैं, आउटफिट आ गया है, दो तीन चीज़ें हो गई हैं, मैं उतनी खुश हो गई हूँ। और अब निपुण बोल रहे हैं जल्दी आ जा भाई, तू मार्केट में ही रहेगी आज, तो मैं कह रही हूँ नहीं मार्केट में नहीं रही हूँ। देख लो इंस्पेक्शन हो रही है कि क्या लाई है, क्या अच्छा क्या किया मैंने, क्या किया। अच्छा 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 गाइस देखो, ये लोग ऐसे ही करते हैं जब मैं आती हूँ, ऐसे ही हंगामा मचाते हैं। और पहले तो ढूंढती कि क्या लिया है। हाँ फाड़ दो, कुछ छोड़ना मत। कुछ नहीं लाई बाबू आज, कोई चीज नहीं लाई सच में। अच्छा आ जाओ बिस्किट देंगे, चलो चलो चलो। पहुँच गई हूँ मैं घर। और हम लोगों ने भाई ब्लॉग शूट नहीं किया गाड़ी में, हम भूल गए थे बहुत ज्यादा थक गया था मैं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि शॉप पे बैठा रहा। तो आप ने शॉपिंग की नहीं है पूरे दिन, मैं चली हूँ मार्केट में, पता है मुंह से देख लो कौन थका हुआ है भाई। बिना करे थकना कोई इनसे सीखे। सो जो छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी वो हो गई है, सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, क्या क्या लिया बता रही है। मैं बाद में अगले ब्लॉग में बताऊंगा क्या क्या शॉपिंग की है इसने। अरे मैंने कुछ भी शॉपिंग ऐसी नहीं की है भाई, थोड़ा ही खर्चा हुआ है, थोड़ा ही खर्चा हुआ है। मैं बताऊंगा भाई कितना हुआ है जब ये फाइनली, अभी तो चल ही रहा है जब। बट फिर घर आए सोचा ब्लॉग एंड कर लेते हैं। एंड एक चीज आपसे पूछनी थी वो पूछ भी लेती हूँ। गाइस आई हैव टू थिंग, जो मैंने आज लिया है वो तो दोनों मम्मियों ने डिसाइड करके बताया है कि पटियाला सूट एक है ड्रेप साड़ी, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। और इन्होंने भी बोला है कि तू पटियाला सूट ही पहन, दैट इज बेटर। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं दोनों चीज़ों में से क्या पहनूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक सजेशन देना कि पटियाला सूट मेरे पे ज़्यादा बेटर लगेगा या ड्रेप साड़ी। जो मैंने फुटवेयर लिया है वो उसके साथ भी सूट हो जाएगा और
मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ अभी. सो सजेशन देना मत भूलना. करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय. डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और हम तो चले सोने. बाय बाय.